दोस्तों चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका है और लगातार वहां की जानकारी इकट्ठी कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे चांद के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो निशान चांद की जमीन पर बना वो अब तक है और अगले कुछ लाखों सालों तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है। चांद धरती के आकार का केवल 27% ही है। चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। पूर्णिमा के समय चंद्रमा का आकार देखने में गोल लगता है, लेकिन असल में इसका आकार गोल नहीं है बल्कि ये अंडे के आकार का है। मैंस हुइगोंस चांद की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत की ऊंचाई 4700 मीटर है। धरती से अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन महज 6 घंटे के लिए होगा। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होती है। अगर आंकड़ों में बात की जाए तो चांद पर इंसान का वजन 16.5% कम होता है, यानी कि अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन 10 किलो ही होगा। यही कारण है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल कूद कर सकते हैं। चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा छोड़े गए 96 बैग ऐसे हैं जिनमें मलमूत्र और उल्टी है। चांद पर करीब 181,400 किलो का मानव निर्मित मलबा पड़ा हुआ है, जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्षयान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी शामिल है। हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी के सामने होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि और पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा की अवधि एक समान है। दोस्तों ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि हमेशा हम चंद्रमा का 50% भाग ही देख पाते हैं। चंद्रमा 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया नामक एक पिंड के बीच हुए भीषण टकराव के बाद बचे हुए अवशेषों के मलबे से बना था। पिछले 41 साल से चांद पर कोई आदमी नहीं गया और आज तक मात्र 12 लोग चांद पर गए हैं। तो दोस्तों ये थे चांद के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।